पहाड़ के ऊपर देखने से लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई मैदान होगा। 2000 मीटर तक का ऊंचाई उस पहाड़ का है, तो ये पहाड़ पर रॉक्सी चढ़ेगा। अब सबसे पहले जाने वाला हूँ यहाँ का सबसे अच्छा जो स्पॉट है, चलो देखा जाए इसके अंदर कैसा नजारा है। क्या है हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी काफी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉक्स क्रिएशंस। और आज हमारे साथ देख सकते हैं आप काफी सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं आया हूं गुमला के एक गांव में जो कि यहां खोरा में पड़ता है, जिसका नाम है पतरा टोली। और यहां मैं इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पर एक काफी अच्छा लोकेशन है, पिकनिक स्पॉट कह सकते हो आप उसे, या फिर हिडन प्लेस ऑफ झारखंड भी कह सकते हो। और मेरे पीछे आप देख सकते हो बड़ा सा झील, और झील की खूबसूरती आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सिनेमैटिक शॉट्स के रूप में। तो सबसे पहले यहां के जो लोकल यहां बच्चे हैं और साथ में मेरे भाई भी है, तो ये मेरा हेल्प करने वाले इस वीडियो में, तो आप लोग इनके लिए कम से कम इस चैनल को लाइक कर दो और साथ में सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए देर न करते, आप लोगों को पहले दिखाते हैं यहाँ का सिनेमैटिक शॉट्स, उसके बाद यहाँ का डिटेल्स देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले जाने वाला हूँ यहाँ का सबसे अच्छा जो स्पॉट है, वहाँ पर जैसे मेरे दोस्तों लोगों ने कहा कि यहाँ पर सबसे अच्छा स्पॉट है थोड़ा पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ आप पहले जाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ का जो सबसे बड़ा झील है वो मैं पहले दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ के लोकल जो दोस्त लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ का लोकेशन जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हर तरफ पथरीला पथरीला ज़मीन है, और यहाँ पर असल में होता क्या है, ये क्रशर है। यहाँ पर जो है पत्थरों को काटा जाता है और फिर हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर से। दोस्तों देख सकते हो यहाँ की हरियाली और यहाँ हरे भरे जो मैदान है, प्लस वो पहाड़ जो देख रहे हो ना उसके ऊपर अभी हम लोग जाएंगे। यहाँ के लोकल बच्चों का कहना है कि उस पहाड़ के ऊपर बहुत ही बड़ा सा एक मैदान है, और उस मैदान में मेला भी लगता है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर देखने से लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई मैदान होगा, पर देखते हैं। और फिलहाल यहाँ का जो नज़ारा और यहाँ का हरियाली जो देख कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दूर दूर तक पहाड़ और गाँव की खूबसूरती यही है। देखते हो मेरे आसपास खाली पानी ही पानी है और काफ़ी सुंदर झील है। जस्ट पहले मैं जो गया था ना हिरनी फॉल, वहाँ पर भी काफ़ी सही पानी था, पर इसके जितना साफ नहीं था। तो काफ़ी सही, देखने से तो ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग इसे पी भी सकते हैं, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रुका हुआ पानी का स्रोत होता है वो कभी भी पीने लायक नहीं होता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि उस पहाड़ के ऊपर अभी है काफ़ी अच्छा लोकेशन, जहाँ पर मेला भी लगता है। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, 2000 मीटर तक का ऊंचाई उस पहाड़ का है, और उसके ऊपर अगर एक फील्ड है तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं उस पहाड़ के ऊपर और देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नज़ारा है और कैसा वहाँ का मैदान है, जैसा कि यहाँ के गाँव वालों ने कहा है। और एक न्यू बात ये मालूम पड़ी कि वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, शिव मंदिर। तो देखा जाए तो ये पहाड़ पर रॉक्सी चढ़ेगा। हो हो, तो इस तरह का लोकेशन, वाह, थोड़ा डर भी लगा वैसे। दूर दूर तक पहाड़, गांव की खूबसूरती, और सच में वहाँ पर देखो मैदान है। तो चलो देखते हैं वहाँ पर जा करके। तो ये है भोलेनाथ, भोले बाबा शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि यही गांव वालों ने, यही गांव वालों ने बनाया है ना। नहीं, पहले गाड़ी यहीं खड़ा कर दी। क्या है यहाँ के जैसे नहीं है? हाँ। मेला कहाँ लगता है? यहीं पर लगता है, यहाँ भी लगता है, अभी जनवरी में लगेगा। अच्छा, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन छोटा सा झरना, झरना नहीं कह सकते हो, लेकिन पानी उधर से गिर रहा है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वो पहाड़ भी काफ़ी सही। दोस्तों देखने से लग रहा है कि ये कोई सांप का खुला मुँह है कि नहीं? हाँ। सांप का खुला मुँह ऐसा दिख रहा है ना। उधर तो बहुत ऊँचा था, उधर जो गड्ढा हुआ है ना। हाँ हाँ। दोस्तों ये छोटा सा गुफा काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर, चलो देखा जाए इसके अंदर कैसा नज़ारा है। वाह,
गुफा के अंदर और एक गुफा। चलिए चलिए इधर से चढ़ के। नहीं इधर इधर कहाँ भाई निकले निकालेगा 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 बाहर निकालेगा। आगे चलो चलो बड़ी छोटका है रे। संकरा रास्ता है यहाँ पर। तो वहाँ नीचे से आप लोगों ने इस पहाड़ का लोकेशन देख लिया था। अब देखो ऊपर से नीचे की ओर खेत खलियान प्लस वो झील प्लस दूसरा उस तरफ है इस पहाड़ के उस ओर। काफ़ी सुंदर फूल और इनका जो महक है काफ़ी अलग है। तो जानना चाहूँगा मैं कौन सा फूल है आखिर। ये कौन सा फूल है भाई? अरे भाई हमको तो खुद पता नहीं है। तो अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो कमेंट करो। इस टाइप का पूरा बैंगनी रंग का फूल है और उसका महक जो है थोड़ा मिंट जैसा और थोड़ा पुटुस जो कहते हैं उसका जैसा है। और ये मेरी रॉक्सी खड़ी है शिवलिंग के पास। काफ़ी ऊंचा चढ़ाई चढ़ा है इसने। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस मैंने इसमें किए हैं। अभी फ़िलहाल इसे वॉक अराउंड में करा रहा हूँ। तो एक प्रॉपर ब्लॉग में बनाऊँगा जिसमें सारा इसके में जो भी मैंने मॉडिफिकेशंस किया वो आप लोग मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया, प्लस मेरे सारे दोस्तों लोग आप देख सकते हो। तो सबके साथ है बोल दो वेलकम टू द रॉक्स क्रिएशन। वेलकम टू द रॉक्स क्रिएशन। हाँ तो फिर इन लोगों का भी काफ़ी सारे लोगों का इंस्टा आईडी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर इनको फॉलो करो। अगर आप लोग यहाँ पर अगर आते हो तो आप लोग इनसे बात कर लेना कि हाँ यहाँ का कहाँ लोकेशन है कैसा, मतलब सारा प्रॉपर। ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और यहाँ के जो गाँव वाले हैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी मेरी मदद की इन लोगों ने और आप लोग की भी मदद करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ के बारे में अगर कुछ खास बात है तो आप बता दो। किसी को कुछ पता है यहाँ के बारे में? यहाँ का जो खास बात है वो ये है कि इसको रानी माउंटेन कहा जाता है। जो हम लोग का हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पहले मतलब राजा रानियाँ रहती थी और वही अभी मतलब कि पहाड़ बन चुका है। मतलब कि इस पहाड़ के आसपास रानी का महल हुआ होगा जिस कारण इसे रानी महल कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को ऐसा आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपको अपने आने वाले अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सबके साथ बोलूँगा जय झारखंड जय झारखंड।